गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। होप कि ये व्लॉग बहुत ही अच्छा हो, और बताना कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो नीचे गाड़ी आ चुकी है तो हम जा रहे हैं नीचे फटाफट से। गाइस आफ्टर ट्रैवलिंग आउट 8 आवर्स वी आर स्टॉपिंग। और गाइस मुंबई से आते हो तो मैक्सिमम 10 to 11 आवर्स लग जाते हैं पहुँचने में। सो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमने यहाँ पे स्टे किया था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा ये रूम हमें। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच आउट स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो गाइस हम लोग सैटरडे के दिन आए और यहाँ पे पूरा ही खाली है, इतना भी भीड़ नहीं है। यहाँ पे कैमरा अलाउड है, इसलिए व्लॉगिंग आप अच्छे से अच्छी तरह से कर सकते हो मेरे जैसे, तो यहाँ पे आके व्लॉगिंग कर सकते हो आप। हाय, यहाँ पे एलिवेटर का सिस्टम बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। सो गाइस ये रियली बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। बाहर बहुत ही गर्मी थी और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। गाइस हम 45th फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम अलग अलग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। आर्ट गैलरी भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आओगे आप एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो गाइस यहाँ पे छोटे बच्चे लोग के लिए भी बहुत कुछ है। ये म्यूजियम वाकई में बहुत ही बड़ा है, तो आप यहाँ पे आओगे तो सारा ही मजा आने वाला है। सो गाइस वी आर मूविंग एट द फीट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो गाइस जल्दी से जाते, यहाँ पे बहुत धूप है। और भीड़ भी बहुत कम है और हवा बहुत ही तेज आ रही है, आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है। ऑलराइट, सो अभी हम नीचे जाएंगे और देखते हैं और क्या मजे करेंगे। पहले जाके जल्दी से जाके खाना खा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को।
स्टैचू ऑफ यूनिटी आओ तो चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क जरूर आना, यहाँ पे थोड़ी सी मजा जरूर आने वाली है आप लोग को, तो आ जाना। इट इज स्पेशली फॉर किड्स एंड बड़े लोग भी मजा कर सकते हैं। लेकिन सो गाइस अभी हम गेम जोन में जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या है उसमें। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हो जाती है शुरू, तो और ही बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है ये। और हम तो अभी जा रहे हैं खाना खाने, अभी देखते क्या होता है। सो गाइस वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस अमेजिंग पार्क। रात को हम एलईडी लाइट शो भी देखने जाने वाले, तो आपको आगे आगे वीडियो में दिख जाएगा, तो देखते रहिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था जो कि मैंने ड्राफ्ट में सेव किया था, और बहुत ही ज्यादा ओल्ड वीडियो है वो, ठीक है। बहुत सारे नए व्लॉग्स के लिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए लकी बॉय क्रिएशन, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। Tell me that you love me.